दे दिया मौका, इनके बारे में इनके साथ सरासर जुल्म हुआ है। और ये अंदाज़ा करें कि अभी पाकिस्तान में तो वैसे ही बेरोज़गारी है, तो मेरे ख्याल काफ़ी ये लोग हैं इस वक्त जो है बेरोज़गार, 8000 बंदे जो बलोचिस्तान में बेरोज़गार हैं, जबकि ये उस वक्त जाब में थे, बसर रोज़गार थे, समझ गया। इनका क्या कसूर था, इनको इसे 11 साल में इनको दबदर करके अभी तक इनका केस जो है ना पेंडिंग में है। मगर एक चीज़ है, बदकिस्मती में इस मुल्क में दो कानून, एक रूल ऑफ लॉ, एक रोल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ओनली द कॉमन मैन पर्सन, रोल ऑफ लॉ ओनली द वाइट कॉलर। वाइट कॉलर के नज़दीक में कानून जा नहीं सकता है, फोर्थ क्लास से फोर्थ से समझ एक से 15 तक समझ गए, ये बेरोज़गार है। बलोचिस्तान का इस वक्त हालात आपके सामने। दूसरा है कि एक महंगाई का जो बम गिरा था, अब देखें महंगाई में, जबकि बेरोज़गार भी है महंगाई भी है, अभी इनका क्या समझ गया असर क्या हो गया इनका बता दें। मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अपील करता हूँ हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस पड़ा हुआ है, मैं अपील करता हूँ वहाँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, मेहरबानी करें सुमोटो ले इस कोर्ट के बारे में, इस केस के बारे में सुमोटो ले और इन पर रैम करें। 8000 बंदे इस वक्त बेरोज़गार हैं, अब ये करेंगे क्या? इससे बावजूद बलोचिस्तान में तो वैसे भी 4-5 लाख नौजवान जो है ना तालीम याफ्ता किए हैं, बे डिग्रियाँ जाए कि क्या ज़रूरत है कोई अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तहरीक चलाता है, चलाने का सिर्फ यही वजह कि इनके घर में फाका कशी के शिकार हैं। और मैं अपील करता हूँ समझ गया दोबारा से फिर कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि मेहरबानी करें सुमोटो ले इस केस का फैसला करें ताकि इनको रीस्टेट करें। चलो एक फैसला मैं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के साथ इनके हवाले में, अगर इनका जो है ना बहाल करेगा, ये कहता है कि भाई हमारा जो है ना जो 11 साल का जो हमारे पैसे ये नहीं मांगते हैं, बहाल करें पैसा इनको मैं अपने जेब से दूंगा, उनको बहाल करें उनका केस दोबारा ताकि ये आ जाए अपना शुरू करें रोज़गार। ये पाक कशी से समझ गया ये इनका जान छूटे, इंतहाई में मशकूर हूँ समझ गया।